Please subscribe my channel and press the bell icon and do not forget to share. शुक्रिया दोस्त. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सब लोग यहीं पे है ना? यस. कितने लोग हैं? अच्छा लगा कि सभी लोग हैं. ओके शुक्रिया. मैं कैसा सवाल है, आप लोग यहीं पे हो. अभी सुनील सर ने इतने अच्छी अच्छी बातें बताई तो यहाँ पे तो रहना ही पड़ेगा, राइट? Yes. जब तक यहाँ पे नहीं रहेगा वो चीज नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, सच है ना? Yes. आपने जाना मेरे काबिल दोस्त ने बताया. मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और इस बिजनेस को मैंने 7 साल पहले ज्वाइन किया था. कितने साल पहले? 7 साल पहले जब ज्वाइन किया था तो एक चीज समझ आ गई थी, इतना सिंपल काम करके अगर इतनी बड़ी सफलता है तो इस काम को कोई करे या ना करे इस काम को मोइन जरूर करेगा. कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं अभी? सभी लोग सोच रहे हैं. yes. एक बार ऐसे कीजिए, मैं पूछूंगा कौन करेगा तो आप बोलोगे मैं. बोल सकते हैं? yes. कौन करेगा? मैं. कौन करेगा? मैं. कौन करेगा? मैं. यस, आप करेंगे. मैंने पहले दिन ही डिसीजन लिया किसी से बिना पूछे, क्योंकि जब तक आप बिना पूछे ये अच्छी चीज को डिसीजन लेते हो तभी आप अच्छा काम कर पाते हो, राइट? yes. क्योंकि कोई भी काम को करने के लिए डिसीजन आपका चाहिए, किसी और का नहीं. सच है ना? yes. क्योंकि कोई और डिसीजन आपको सही नहीं देता है, वो आपका टांग खींचने के लिए पहले तैयार रहता है. क्या मैं सही कह रहा हूँ? yes. कितने लोग इस बात से सहमत है? लगभग हम सभी लोग, राइट? जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ बहुत सारे चैलेंज थे. पहला चैलेंज था मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि जब इस काम को किया तो मेरे साथ 3 चैलेंज था. सबसे पहला चैलेंज टाइम नहीं था, क्योंकि सुबह मैं 9 बजे अपने काम के लिए निकलता था और रात में 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आता था. कितना टाइम बचेगा मेरे पास? क्योंकि मैं सुबह से लेके शाम तक सिलाई करते थे और शाम में पटरी पे जाके फुटपाथ पे टी शर्ट बेचा करते थे. आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं तो बाजार लगता है शाम का, उसमें बाजार लगाते थे और आवाज लगा लगा के टी शर्ट बेचा करते थे. छाटो 125, छाटो 125, छाटो 125, क्योंकि वो मेरा काम था. क्या था? काम. क्योंकि काम को तो करना ही पड़ेगा, सच है ना? yes. चाहे सर्दी में सुकुड़ रहे, गर्मी में पसीने निकल रहे, मतलब नहीं, ये काम तो करना पड़ेगा. ड्यूटी वाले को भी ऐसे ही है, सच है ना? yes. नौकरी वाले को भी सबसे ज्यादा ऐसे ही है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो उससे मतलब नहीं है, आपको काम पे तो जाना पड़ेगा, सच है ना? yes. काम पे नहीं जाओगे तो सैलरी मिलेगी? no. तो मुझे भी काम पे जाना होता था क्योंकि मुझे भी इनकम चाहिए था, राइट? yes. लेकिन बिजनेस को ज्वाइन किया तो एक बार सवाल आया कि ये काम को कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है. लेकिन तुरंत मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे पास टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर टाइम नहीं है तो मेरे पास 1 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए. यस यू नो? यस. क्योंकि 1 लाख रुपए होनी चाहिए तभी आप 1 लाख रुपए में बेचते हैं. तो पता चला 300 रुपए से हमने स्टार्ट किया था अपने कमाई को और 30,000-35,000 से ज्यादा नहीं कमा पाए. 30,000-35,000 से ज्यादा ग्रोथ मेरा नहीं गया, एवरेज वही गया. मुझे एक चीज समझ आ गई, मोइन तू किस बात का गुरूर करता है? टाइम नहीं है, क्यों नहीं है? 30,000-35,000 में इतने हम व्यस्त हो गए, इतना बिजी हो गए, 1 लाख कमाने का मौका मिल रहा है उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है. मैंने खुद से पूछा, किसी और से नहीं. मैंने खुद से पूछा, किसी और से नहीं, क्योंकि मुझे पता है सलाह देने वाले और फ्री में मिलता है सलाह, उसके पैसे भी नहीं लगते, सच है ना? yes. सलाह भी ऐसा, हाँ 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 हाँ, सुन लिया ना, मजा आ जाएगा, घर से बाहर नहीं निकलोगे, सच्चाई है. लेकिन मैंने उनकी सलाह नहीं ली क्योंकि मुझे कामयाब होना था. कामयाब किनको होना था? बोला ऐसे, किनको होना था? किनको होना था? किनको? मुझे. मुझे तो किसी और से सलाह लेंगे वो देगा? नो. कामयाबी चाहिए तो कामयाब लोगों से मिलना पड़ेगा. यस ये नो? yes. फेलियर लोगों से मिलेंगे वो कामयाबी का सलाह दे सकता है? नो. तो फेलियर का तरीके बता सकता है, कामयाबी का तरीका कभी नहीं बता सकता.
क्योंकि उन्होंने कामयाबी लिया नहीं है तो कामयाबी बता भी नहीं सकता। सच है ना? Yes. कि फेलियर का इतने गिनती गिरा देते हैं, इतने गिनती फलाना 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 फेल हो गया, अब वहीं पर हो जाते हो ढेर। सच है ना? Yes. मैंने किसी से पूछा नहीं डिसीजन, क्योंकि कामयाबी मुझे चाहिए था तो डिसीजन भी मुझे ही लेना पड़ेगा। यस यू नो, चाचा ताऊ किसी से नहीं पूछा, और अक्सर लोग करते हैं। आपको कामयाब होना होता है लेकिन पूछते हो चाचा से, पूछते हो सिस्टर से, पूछते हो मम्मी से, पूछते हो अपने रिश्तेदार से, आप पूछो उनसे जो लीडर है। यस यू नो, वो तो अपने काम का मास्टर है। इस काम का मास्टर तो सुनील जी से पूछोगे तो बताएगा, सर से पूछोगे तो बताएगा, मेरे से पूछोगे तो भी बताएगा। यस यू नो, तो इस काम का मास्टर भी तो बनना है। तो मैंने उनसे बिना पूछे अपने लीडर से पूछा। दूसरा जो चैलेंज था, मुझे समझ आ गया कि ये काम मुझे करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा चैलेंज था, मेरे पास सपोर्ट करने वाला एक आदमी भी नहीं, टांग खींचने वाले हजारों लोग। अभी ये तेल साबुन ये भी कोई बिजनेस है? एकदम स्टाइल में तेल साबुन बेच के कोई अमीर बना है क्या? सपने देख रहा है, कभी जिंदगी में लाख रुपए कमाए? इस तरीके से लोग बोला करते थे, तो मैं उनको देख के मुस्कुराता था। मैं मुझे एक चीज दिमाग में आती थी, जब धीरू भाई अंबानी सब्जी बेच के अंबानी बन सकता है तो मैं तेल साबुन बेच के क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? ये बात मुझे समझ आ गई थी, उनको नहीं, इसलिए वो ऐसी बात बोलते थे। सच है ना? Yes. क्या मैं सही बोला? Yes. तीसरा चैलेंज था, मुझे एक चीज पता था, ये ज्वाइन अभी नहीं करेगा, इनके वजह से रुक गया तो मैं अपनी कामयाबी से रुक जाऊंगा। कामयाबी किनको चाहिए? मुझे। बोलो ऐसे, किनको चाहिए? मुझे। तो वो जो मना कर रहा है, उनके वजह से रुक जाऊंगा तो कामयाबी मुझे मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैंने क्या उनको नेक्स्ट, अब मैं बढ़ा बेस्ट। मुझे एक चीज समझ आता है तो बेस्ट, नहीं तो मुझे नहीं रुकना है, कामयाबी मुझे चाहिए। तीसरा जो चैलेंज था मेरे साथ सबसे बड़ा, पढ़ाई लिखाई मेरी बिल्कुल जीरो, कभी स्कूल नहीं गया। अब स्कूल नहीं गया, एबीसीडी क्या होता मुझे नहीं पता, तो मैं अगर ये सोच लेता फॉर्म कैसे भरूंगा, कभी कर पाता? कर पाता? अच्छा एक चीज बताओ, ये तीन चैलेंज तो थे, वो कम थे या ज्यादा? हाँ जी, कुछ लोग बोल रहे हैं आपके साथ तो ये तीन चैलेंज नहीं है ना? सच है ना? यस। लेकिन मैंने ये चैलेंज को स्वीकार किया, मुझे एक चीज समझ आ गई, आज मैं जो भी हूं ना, आज मैं जो भी हूं सिर्फ अपनी सोच के वजह से हूं और अपनी माहौल के वजह से हूं। कितने लोग इस बात से एग्री है? लगभग हम सभी लोग, राइट? Yes. मुझे एक चीज समझ आ गई, आज जो भी हूं मैं अपनी सोच के वजह से और अपने माहौल के वजह से हूं, क्योंकि अपने आप को बदला जा सकता है। यस यू नो, अब जो बनने वाला हूं वो भी अपनी सोच के वजह से ही बनूंगा, क्योंकि मुझे किसी और को नहीं बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे खुद को बदलना है, क्योंकि मैं जब बदलूंगा तभी कोई और मुझे देख के बदलेगा। हम दुनिया को बदलने के चक्कर में लग जाते हैं, ये तो बदलता ही नहीं, इतना अच्छा आदमी है, अच्छा बता रहा हूं, प्लान बता रहा हूं, समझ ही नहीं आता, ऐसे बोलते हैं ना लोग। अरे खुद को तो बदल लो। मुझे खुद को बदलना था, मेरे पापा कहते थे बेटा दुनिया में किसी को बदलना है ना तो किसी और को मत बदलना, सबसे पहले खुद को बदल लेना, क्योंकि जब आप खुद को बदल लेते हो ना तो दुनिया आपको देख के अपने आप बदल जाती है। मैंने लगातार स्टार्ट किया, छोटे छोटे बच्चे मिलते थे मुझे, कोई सुनता ही नहीं था, अपने तो कोई भी नहीं सुना, एक भी नहीं, एक रिश्तेदार भी मेरा ज्वाइन नहीं किया। सोच के देखिए, एक आदमी ज्वाइन भी किया तो 110 लोगों की टीम खराब कर दिया, खुद भी नहीं काम किया, उसको भी नहीं करने दिया। सोच के देखिए मेरे ऊपर कितना क्या बीतता होगा। लेकिन पहाड़ को मैंने सीने पे महापहाड़ बना लिया था ना, ये बारूद,
कामयाबी किसको चाहिए? मुझे। बोला साले किनको चाहिए? मुझे। कोई भी दुनिया की कोई भी मुसीबत तक मुझे रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई तकलीफ मुझे रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई चैलेंज मुझे कामयाब होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये डिसीजन किनका है? मेरा। अपना। और इस काम को मैंने पहले दिन ही सोचा ये मेरा काम है। किनका काम है? मेरा। मैंने ये नहीं सोचा मेरे अपलाइन का काम है, मैंने ये नहीं सोचा वेस्टीज का काम है, ये मैंने सोचा पहले दिन ये बिजनेस किनका है? मेरा। अब मैं इसको कितना बढ़ा सकता हूं मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यस यू नो, पहले मैंने स्टार्ट किया, पहले मैंने का चेक बना 19 रुपए का। कितने का? 19 रुपए का चेक बना था। और लोग हंसे, बड़े प्यारे प्यारे मुस्कुराहट थी, पूछो मत। कहता बेटा जितनी तेरी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरे पास तजुर्बा है। और ये बाल देखता है ऐसे सफेद धूप में नहीं पकाए हैं। तो मैं उनको देख के कहता था इनको क्या बताऊं। मैं कहता दोपहर वाला इनको समझ दे दे, इनको भी अकल दे दे, क्योंकि कल मन मन में सोचता था इनको भी तो लाना है। गलत तो बोल नहीं सकता था, राइट? क्योंकि हमारा सिस्टम अच्छा बोलना सिखा देता है, क्योंकि वेस्टिजियन अच्छा बोलना सीख भी लेता है। कितना भी टेंशन हो वेस्टिज वाले मुस्कुराना सीख लेता है। जो मुस्कुराता है कामयाबी उन्हीं का है। कितने लोग मुस्कुरा जानते हो? सभी लोग मुस्कुरा दो प्यार से। गुड, शुक्रिया। मुस्कुराते रहना, मुंह बना के मत बैठना। क्लियर? 19 रुपए का सफर मैंने लगातार 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 ट्रेनिंग मीटिंग कभी मैं नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पता था मुझे अपने आप को बदलना है तो मुझे यही माहौल में लाना पड़ेगा। अगर मुझे नहीं बदलना है तो इस माहौल में नहीं आना है। अगर इस माहौल में नहीं आया तो मैं अपने आप को बदल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद को बदलना है तो ऐसी जगह पे आना है तभी मैं अपने आप को बदल पाऊंगा। यस यू नो, मुझे एक चीज समझ आ गई, 3 से 5 साल मुझे टिकना है। कितने साल? 3 से 5 साल। कितने साल? 3 से 5 साल टिकना है। और दिल से इसको करना है, दिल से सीखना है। अगर कामयाबी मिल गई या नहीं मिली, नहीं मिली तो क्या होगा? फायदे नहीं होगा। नहीं मिला तो क्या होगा? मुझे एक चीज समझ आ गई, गरीब था, गरीब हूं, गरीब ही रह जाऊंगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन 1% अगर कामयाबी मिल गई तो ये गरीबी से जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। yes! Yes! और मैंने लगातार मैंने बोला 3 से 5 साल का कोर्स होता है बहुत सारे चीज करने के लिए, राइट? लेकिन मुझे भी कोर्स करना है। 3 से 5 साल मैं हिलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और लगातार 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 सिस्टम मीटिंग को फॉलो किया, सिस्टम में आया। और लोग आते नहीं थे दोस्त, लोगों को जबरदस्ती लाना पड़ता था। लोग सुनते नहीं थे, लोगों को सुनाना पड़ता था। लोग मिलते नहीं थे, लोगों से मिलना पड़ता था। लोग बुला लेते थे, मिलते नहीं थे। और मैं भी इतना ढीठ, मैं घर पे जाके बैठ जाता था, कब तक नहीं आओगे, कब तक नहीं आओगे। कितने आदमी को छत पे जाके बाथरूम में बैठा रहता था, घर से मिलता नहीं था कि मिलूंगा तो मोइन वेस्टीज बताएगा। उन्हें ये नहीं पता 2 घंटा ऊपर ही बैठा है। लेकिन लास्ट में मैं देखता था गेट बंद होने वाला था, फिर वापस आता था 19 रुपए का सफर। आज वो मेरा स्टार डायरेक्टर है जो बाथरूम में बैठा था। कोई डायमंड डायरेक्टर है, कोई स्टार, कोई सिल्वर डायरेक्टर है, कोई गोल्ड डायरेक्टर है, कोई क्राउन डायरेक्टर है, कोई यूसीडी है, जो मिलना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे मिलना था। कामयाबी किसको चाहिए था? मुझे। मिलना तो मुझे ही पड़ेगा ना। सामने वाला को थोड़ी चाहिए, उनको थोड़ी पता है। हम जितना मर्जी बता दें उनको नहीं पता। यस यू नो, पता किनको है? मुझे। ऐसे बोलो, किनको? मुझे। किनको? मुझे। किनको? मुझे। मुझे पता है तभी तो मैं जा पाऊंगा। अगर मुझे पता नहीं होगा तो जा पाऊंगा? जिस दिन उनको पता चल गया वो मेरे से मिलने आएगा। आज उल्टा हो गया, आज उल्टा हो गया। पहले लोग मेरे से नहीं मिलते थे, आज मैं लोगों से नहीं मिल पाता हूं।